शहर के बीचों बीच से निकला धीरमा नाला कई मोहल्लों के साथ साथ ऊपरी इलाकों का पानी नदियों तक पहुंचाने का काम कर रहा है, लेकिन भूमाफिया इस नाले का अस्तित्व मिटाने में जुटे हुए हैं। ताजा मामला मैदानी का सामने आया है, जहां भूमाफिया के द्वारा ग्रीन जोन में जमीन की बिक्री कर दी गई, तो वहीं भूमि स्वामी को नगर निगम के द्वारा भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। बताया जाता है कि उक्त मामले की शिकायत भी वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या स्थानीय पटवारी हलका के द्वारा रजिस्ट्री के समय जानकारियां छुपाई जा रही हैं, जिसके चलते भूमाफिया नालों का अस्तित्व मिटाने में जुटा हुआ है। मैदानी स्थित धीरमा नाले के पाट को नष्ट कर मकान का निर्माण कराया जा रहा है। उक्त मामले को लेकर समाज सेवी बीके माला ने कहा कि प्रशासन की साठ गांठ से नालों का अस्तित्व मिटाया जा रहा है। झिरिया नाले में राजनीतिक पहुंच के लोगों के द्वारा बड़ा कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया गया, तो वहीं अन्य नदी नालों का अस्तित्व भी मिटाया जा रहा है। आपको बता दें कि जिले के कई तालाब और नाले अतिक्रमण की चपेट में हैं, जिनका अस्तित्व खतरे में है। आइए आपको सुनाते हैं समाज सेवी बीके माला ने प्रशासन से क्या मांग की है। अतिक्रमण किया जा रहा है, कुछ शिकायत है, ये क्या मामला है और क्या मानते हैं? देखिए, रीवा जिले में समूचे बहुत सारे ऐसे नाले हैं जिन नालों से पानी निकासी होती है और नदियों में जाते हैं। रीवा शहर के मैदानी के पास एक बड़ा नाला है, जो कई क्षेत्रों का पानी उससे निकासी होती है, परंतु लगातार भूमाफिया इन नालों पर बेजा कब्जा कर रहे हैं। नालों में शासन के रेड जोन और ग्रीन जोन की नाले बनाए गए हैं, तो रेड जोन के नालों में और ग्रीन जोन के नालों में सभी प्रकार ग्रीन जोन और रेड जोन की प्रक्रिया अपनाई गई है उन नालों के लिए, तो नालों को चिन्हित कर लिया गया है, परंतु लगातार भूमाफिया उन नालों पर जो साइड में होता, जो लेफ्ट और राइट दोनों साइड होते हैं, उन दोनों साइडों में बेजा कब्जा किया जा रहा है। रेड जोन और ग्रीन जोन दोनों में कब्जा किया जा रहा है। एरिया निर्धारित है कि जो जहाँ से पानी निकाल होगी, और दोनों राइट और लेफ्ट हैंड जो साइड है, तो साइड एरिया के कितने फीट छोड़े जाएंगे रेड जोन नाले के लिए, ग्रीन जोन नाले किया जा रहा है अभी। ये कभी भूमाफिया या कि प्लाटिंग करके भेज देते हैं और संबंधित जो क्रेता विक्रेता हैं उनसे पैसा ले लेते हैं और उसको प्लाटिंग करके निश्चित तौर से लोगों को बताते हैं कि ये नाला यहाँ से है, नाला की एरिया निश्चित। इसी प्रकार शहर के मध्य शांति मंडप के पास आप देख लीजिए, शहर के मैया झिरिया नाला को देख लीजिए, मैया नाला को देख लीजिए, रीवा शहर के जहां विकास के लोग धुरी कर रहे हैं, विकास का नाम ले लेके काम कर रहे हैं, वहीं पर नदी तालाब पोखर पहाड़ बिक रहे हैं। निर्माण चल रहा है तो निश्चित है नगर निगम ने स्वीकृति दी होगी, रजिस्ट्री हुई होगी, क्या मानते तो हैं? नगर प्रशासन उनकी मिली भगत से नगर निगम को देखना चाहिए कि हमें एनओसी किस क्षेत्र की दे रहे हैं, रेड जोन जो नाला है उसके अंदर एक कितनी एरिया हमारी है, अपने संबंधित हल्का पटवारियों को देखना चाहिए। भू राजस्व में समस्त पटवारियों को चिन्हित किया गया कि आपकी भीड़ निर्धारित है, नगर निगम में आरआई निर्धारित है और कर्मचारी नियुक्त हैं, उसके बावजूद लगातार नालों पर बेजा कब्जा हो रहे हैं, ये भी शामिल है इस नालों के कब्जों में। झिरिया नाला देख लीजिए, बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, जो नाले पहले थे 58-59 में रिकॉर्ड ऑफ राइट में बंदोबस्त में, वो नाला पूरी तरफ गायब हो गए, झिरिया में पूरी तरफ बेजा कब्जा हो गया। मैदानी धीरमा नाला को उठा लीजिए, रीवा जिले के समूचे 15 तालाब एक एक गायब हो जाते हैं, नाला एक एक गायब हो जाते हैं, नाले के नक्शे गायब हो जाते हैं, नाले प्रशासन की निश्चित तौर से राजस्व अधिकारियों की साठ गांठ से नालों में कब्जे हो रहे हैं, बेजा कब्जा हो रहे हैं। भूमाफिया बेशकीमती भूमियों की शहर की हजारों वर्ग फीट की जमीन बना के उनको बेच रहे हैं, और इसमें रजिस्ट्री कार्यालय की भूमिका संदिग्ध है, राजस्व अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। हमारा तो ये मानना जिला प्रशासन की आँख के नीचे ये भूमाफिया जमीनों को विक्रय कर रहे हैं, बिल्डअप बिल्डिंग बना रहे हैं, बेशकीमती जमीन को औने पौने दाम पे बेच रहे हैं, आम आदमी सफर कर रहा, अदालती कार्रवाई बढ़ रही है, न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हो रहे हैं, इस प्रकार भूमाफिया बेजा कब्जा कर रहा है।